भारत के लगभग 10% लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं और समझते हैं। बाकी सभी लोग जो हैं केवल इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाते हुए। रीजन इसका यही है कि वे अंग्रेजी बोलने से डरते हैं, पढ़ने से डरते हैं। जैसे जो भी भाई अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके साथ भी यही होता है। ऑनली 10% पीपल ऑफ इंडिया आर एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड अंडरस्टैंड। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश बिकॉज दे फियर टू स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी। मैं चाहता हूं कि भारत के सभी लोग अंग्रेजी बोलें और जाने समझें। इसके लिए आपको पढ़ना होगा, केवल सोचने से नहीं। और अंग्रेजी किसी के सामने बोलिए, टूटी फूटी बोलिए, जो भी बोलिए, डरिए मत। अंग्रेजी बोलने से डरिए मत, अंग्रेजी बहुत ही आसान है। आप केवल समझिए, तो एक बार पॉजिटिव थिंकिंग रख करके समझिए कि मुझे अंग्रेजी नहीं आता था लेकिन आज से आएगा। मैं इस वीडियो को देखूंगा, इस वीडियो से हमें 100% इंग्लिश आएगा। अगर आप इस बात को सोच लेते हैं तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आज से आपके पास इंग्लिश होगी और आपका होगा। आज से आप अंग्रेजी बोलेंगे। लेकिन आप एक काम कीजिए, अभी रफ पेन ले लीजिए, जो भी मैं बताऊंगा उसको कॉपी पर नोट कीजिए। 100% मैं बता रहा हूं ना कि आपको इंग्लिश आज से समझ में आएगा और आज से आप अंग्रेजी बोलने का कोशिश भी करेंगे। गलती सही जो भी बोलिए लेकिन बोलिए। देखिए एक अच्छा कंसेप्ट लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। हमें सुनने को मिलता है गांव के गांव बर्बाद हो गए। इसे गांव के गांव आ गया, गांव पर गांव आ गया, गांव का गांव आ गया, जामुन पर जामुन आ गया, दुख पर दुख हो गया, दुख पर दुख आ गया। ये देखिए, ये सब के सब एक प्रीपोजिशन से एड है। आ सब का सब ये नाउन जो है सब सेम है, दोनों नाउन जो है सेम है, तो इसका ऐसा हमें नहीं लिख देना है इंग्लिश। विलेज ऑफ विलेज, विलेज ऑन विलेज, विलेज ऑफ विलेज, ब्लैकबेरी ऑन ब्लैकबेरी, सारो आन सारो। ये सबका सब सेंटेंस जो है गलत है। इसके लिए मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसे अगर आप जान जाते हैं, बिना वीडियो को, वीडियो के बिना स्किप किए देखते हैं, तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बनाना और बोलना आएगा। देखिए दिया गया है, इसका कंसेप्ट नोट है कि दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं। ये दो नाउन है, इन दोनों को आफ्टर से जोड़ेंगे। विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ब्लैकबेरी आफ्टर ब्लैकबेरी, सारो आफ्टर सारो। इस प्रकार के और जो भी सेंटेंस होंगे, जो भी वर्ड होंगे, सबका सब सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम अगर है तो उन्हें आफ्टर से ऐड करेंगे। फिर ये दोनों का दोनों सिंगुलर होना चाहिए, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, दोनों नाउन को जो भी सेम होगा वो सिंगुलर होना चाहिए। दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। जब ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेंगे। देखिएगा ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आते हैं, करेक्शन के लिए इसको प्लूरल कर देगा। आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, यार गांव के गांव यानी कई गांव की बात कर रहा है तो विलेज विलेज होगा, ये गलत हो जाएगा। फिर आपके यहाँ आर देगा, वेयर देगा, ये भी गलत हो गया, ये एरर में आता है। इसको देखिएगा, दोनों नाउन सेम होने चाहिए, दोनों नाउन सेम होना चाहिए, दोनों नाउन सेम होना चाहिए।
देखिए ये जो नाउन होगा ये आफ्टर से इन होगा। आइए वर्ब जो भी लेगा वर्ब सिंगुलर लेगा। आइए दोनों नाउन का होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये जो भी नाउन होंगे आफ्टर से एड होंगे और दोनों नाउन सेम होंगे, वर्ब सिंगुलर लेंगे, क्रिया सिंगुलर लेंगे। देखिए इसका नोट लिखा गया, दोनों नाउन को आफ्टर से जोड़ते हैं, दोनों हमेशा सिंगुलर होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। दोनों नाउन सेम होने चाहिए। जैसे देखिए गांव के गांव, तो विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, ब्लैकबेरी आफ्टर ब्लैकबेरी, सारो आफ्टर सारो। दोनों नाउन सेम है, आफ्टर से एड है, सिंगुलर है। अब इस पर हम लोग आइए इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गांव का गांव बर्बाद हो गया, गांव का गांव विकास कर रहा है, जामुन पर जामुन गिरने लगा, खिलजी ने शहर का शहर लूटा, तुम दिन पर दिन शरारती हो रहे हो। इन सेंटेंसों को मैं जो दिया हूं कंसेप्ट, उस कंसेप्ट पर अभी बनाता हूं। देखिए गांव का गांव बर्बाद हो गया, विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड। गांव का गांव विकास कर रहा है, विलेज आफ्टर विलेज इज डेवलपिंग। जामुन पर जामुन गिरने लगा, ब्लैकबेरी आफ्टर ब्लैकबेरी, बिगैन टू फॉल डाउन। खिलजी ने शहर का शहर लूटा, खिलजी प्लंडर्ड सिटी आफ्टर सिटी। तुम दिन पर दिन शरारती हो रहे हो। इस सेंटेंस का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करना न भूले, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कॉन्सेप्ट वाले वीडियो और लाता रहूं।